आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पास्ता की एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी, जिसे आप अपने टिफिन टाइम में बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉडर्न फूडीज। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लिया हूँ 1.5 कप पास्ता। इसे पहले अच्छे से धो लेना है। इसके बाद इसे बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डालना है। यहाँ पर मैं 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ 1/2 टीस्पून नमक। ये बॉईल होकर थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसे निकाल लेना है। अभी इसे ठंडे पानी से अच्छे से धोना है, क्योंकि ये बॉईल होने के कारण एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और खाने में एकदम अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये धोने के बाद एकदम अलग अलग हो चुका है। अभी इसे साइड में रख दीजिए। अभी एक कढ़ाई में थोड़ा तेल लेकर एक कटा हुआ ऑनियन उसमें सॉटे कर लेंगे। अभी इसमें 3 पेस्ट किया हुआ गार्लिक के क्लोव्स थोड़ा सॉटे कर लेंगे। और उसके बाद 1 इंच पेस्ट किया हुआ जिंजर को भी हम सॉटे कर लेंगे। अभी इन तीनों को एक साथ अच्छे से मिला लेना है। अभी इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है और इसे अच्छे से मिलाना है। इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, इसे भी अच्छे से मिला लेना है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये लो से मीडियम फ्लेम पे ही होगा। अभी इसमें डालना है 1/4 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी, इसे अच्छे से मिला लेना है। इसे थोड़ी देर मिलाने के बाद इसमें एक उबाल आएगा। अभी इसमें 1 टीस्पून मैगी मसाला ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिलाना है। इसे थोड़ी देर मिलाने के बाद इसमें कॉर्नफ्लावर और पानी का एक मिक्सचर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं लिया हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 कप पानी। आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं होगा तो आप ये स्किप कर सकते हैं। अभी इसे मीडियम फ्लेम में थोड़ा मिलाना है। अभी इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है और इसे अच्छे से मिलाना है। थोड़ी देर बाद इसमें एक उबाल आएगा। ये उबाल आने के बाद उसमें वो बॉईल किया हुआ पास्ता को डाल देना है और इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट अच्छे से मिला लेना है। अभी तैयार हो गया है हमारा टेस्टी टेस्टी पास्ता। चलिए अभी इसे सर्व कर देते हैं। आज का रेसिपी आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर बॉईल किया हुआ 1 एग को भी गार्निश कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे उत्साह देना और इसी तरह इजी एंड टेस्टी रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सब नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।